इस वीडियो में हम ईरान जो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर एक दूसरे से बहुत लंबी दूरी तक मिले हुए हैं। पाकिस्तान का जो ये एरिया दिख रहा है ये बलूचिस्तान है, और ये ईरान का जो एरिया दिख रहा है यहाँ भी बलूचिस्तान के लोग रहते हैं। ये जो एरिया है ये असलियत में बलूच के लोगों का है। ईरान और पाकिस्तान दोनों ही बलूचिस्तान के लोग को दबा कर रखते हैं। दोनों ही एरिया अनडेवलप्ड है। यहाँ के लोग को ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं मिलती है, इसलिए पाकिस्तान के बलूचिस्तानी लोग चाहते हैं कि वो एक अपना नया देश बनाए, पर ऐसा हो नहीं पाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बहुत सारा जहादी संगठन है, उसमें से एक जैश उल अदल जहादी संगठन है जो बार बार ईरान के बॉर्डर और रिवोल्यूशनरी गार्ड के ऊपर अटैक करता रहता है। जैसे 2017 में ईरान के बॉर्डर पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था जिसमें 9 ईरान गार्ड मर गए थे और कुछ गार्ड घायल हो गए थे। फिर 2019 में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के बस में अटैक किया था जिसमें 12 से ज़्यादा ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड मर गए थे और बहुत सारे गार्ड घायल भी हो गए थे। इसी के कारण ईरान जैश उल अदल के संगठन को आतंकवादी मानता है। इसी के एक साल पहले 2018 में जैश उल अदल के मेंबर्स 12 ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को अपने एरिया में किडनैप करके रख लिए थे। फिर इसके कुछ समय बाद 2018 में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड 5 को छोड़ाए। फिर 2019 में 4 रिवोल्यूशनरी गार्ड को छोड़ाकर अपने एरिया में वापस ले आए थे। उसके बाद भी पाकिस्तान में 3 गार्ड बच गए थे जिसमें से एक गार्ड को उन लोग मार चुके थे, और जो बचे 2 गार्ड बचे थे उनको छुड़ाने के लिए थर्सडे नाइट्स को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किए और अपने 2 गार्ड को सही सलामत छुड़ा के अपने देश वापस आए थे। आखिर आप सोच रहे होंगे कि ये रिवोल्यूशनरी गार्ड कौन है, तो इसका पूरा नाम ईरान इलाइट रिवोल्यूशनरी गार्ड है। ये ईरान के बहुत पावरफुल मिलिट्री है जिसे ईरान के मिलिट्री से कुछ खास लोगों को चुन के 40 साल पहले बनाया गया था, जिसके लीडर कासिम सुलेमानी थे, जिसे अमेरिका एक साल पहले जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट में ड्रोन अटैक से मार दिया था, क्योंकि ईरान के प्रॉक्सी वॉर्स में अलग अलग देशों के अंदर वह मनी, वेपन, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, एडवाइस, इस तरह की जितनी भी चीज़ करनी हो ईरान के द्वारा वो इस रिवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा किया जाता था। और बहुत बार अमेरिका के मिलिट्री भी मारे गए थे, तो अमेरिका को ये आतंकवादी संगठन लगते थे, इसलिए पिछले साल ट्रंप कासिम सुलेमानी को मरवा दिए थे।